अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। और आज मैंने मेरा ड्रेस पहनी हूँ, आप लोगों को पूरा ओवर लुक बता देती हूँ। पहले स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, समीर नहीं कर रहे, बहुत दिन के बाद मैं कर रही हूँ। अभी मतलब अच्छे खासे अपने जो कपड़े वगैरह है वो सेल हो गए, आप लोग को बहुत पसंद आए हैं, आप लोग ने बहुत प्यार दिखाया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छे लगे आप लोगों को और DMs भी कर रहे हो, आप लोग के बहुत ही प्यारे सूट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है और इतने रीज़नेबल प्राइस में। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला ही था कि मैं जब भी ऐसे कोई भी सूट्स वगैरह ड्रेसेस का चालू करूँगी तो मैं रीज़नेबल ही लाऊँगी। हाँ, इंशाल्लाह अपन और थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और अच्छी क्वालिटी की भी डिमांड आई है तो वो भी लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट तो अपन ने इससे किया है। तो आप लोगों को ओवरलुक एक बार बताती हूँ ये वाले ड्रेस का। ये देखिए गाइस, ये है पूरा ड्रेस, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट सिलाई हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तानी सूट जो होते हैं ना वो थोड़े शॉर्ट अच्छे लगते हैं और लॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट ही रखी हुई। इसको अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और कपड़ा भी देखिए ना कितना अच्छा है, बहुत बहुत मस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये मेरे कलेक्शन में का ही है, ऊपर तक पूरी ऐसी डिज़ाइन है, ये देखिए पूरा नीचे भी दामन भरा हुआ है। और ये वाला सिर्फ और सिर्फ 650 वाला है, वो वाला ही मैंने सिलाई हूँ और 550 वाला भी एक सिलाई हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं वही वेयर करूँगी, तब आप देख लेना। तो भी बहुत जल्दी है, हाँ, और भी स्टॉक आने वाला है तो वो वाला भी जल्दी से आप लोग को बताएंगे वीडियो बना के, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे बताएंगे। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आप लोगों को ये वाला ड्रेस कैसा लगा। आज काम करने मन ही नहीं कर रहा है फरा, पता है क्या, पूरा ध्यान इन लोग में ही था मेरा, फिर भी अभी जस्ट ब्रेक डाल के आया हूँ, इन लोग में था अभी एक घंटा, तुम लोग में ही एक घंटा भी नहीं हुई वो लॉग इन करके और इतनी जल्दी ब्रेक डाल के आ गया। हमें क्या बन रहा है खाने में, ये तो मेरा बन गया। क्या बनाया आपने? मैंने सूप बनाया अपने लिए। अभी मैडम हमारे डाइट पे है ना तो अलग अलग ही खाते हैं वो। ठीक है, फरा का नाइट का डिनर है ये। कौन सा सूप बनाया है इन्होंने अभी, कौन सा सूप है? और ये देखिए, ये अभी इनका डिनर है और ये अभी जल्दी ही कर रहे हैं। हाँ, मुझे जल्दी करना है डिनर, जितना जल्दी होगा तो उतना पचने में आसान होगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी बहुत होता है ये। हाँ न करना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है फरा। खो दूंगी, सब कुछ खो दूंगी, लेकिन पाऊंगी जरूर अभी। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत दिन के बाद ये रोटी देके अम्मी के हाथ की खा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रोटी ना अम्मी बहुत अच्छी बनाते हैं, ज्वार की रोटी जो कि बहुत बहुत एकदम पतली वाली, ऐसे लगता है जो चपाती जैसे रहती है ना एकदम। और ये देखिए मेरा बच्चा अपने ही धुन में है, कैसे खेल रहा है वो, इसके सोने का स्टाइल देखे। मैं कितने देर से ना झूला दे रहा था इसको, मुझे लगा ये सो गया, लेकिन ये देख कैसे बैठ के मज़े ले रहा है, कितने गहरी सोच में वो गया है। मुझे तो लगा कि ये बैठे बैठे सो गया है, फिर मैंने उसको कोशिश करा सुलाने के, लेकिन वो उठ गया, लेकिन वो सोया नहीं था, वो मज़े ले रहा था वैसे बैठ के। ये देखिए, फरा ने अम्मी के लिए ड्रेस सिलाया है घर में ही, खुद से सिया उन्होंने, कितना परफेक्ट सिया है। ओए क्या कर रहा, हाँ क्या, हाँ झाड़ू मार रहा, पूरा कचरा कर रहा, देख तू क्या हुआ, आ इधर आ इधर आ इधर आ मम्मा, नहीं 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 नहीं, कौन ने चिल्लाने का, ईजान को पहले ही बोल रहा हूँ मैं, मेरे ईजान को कौन कुछ नहीं बोलने का। हाँ ईजान, नहीं 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 नहीं, दादी ने चिल्लाया है ईजान को, दादी ने चिल्लाया है, नहीं नहीं, हाँ इसके पैर ऐसे क्यों ऊपर चढ़ा है, बहुत पैर में आ रही हो कर, जाओ खेलो जाओ ईजान, ईजान बॉल लेके आओ, बॉल बॉल किधर है ईजान का बॉल, किसने बोला ईजान को, किसने चिल्लाया, हाँ नहीं 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 चिल्लाएंगे दादी देखो, नहीं क्या हुआ, किसने बोला कुछ, हाँ दादी ने, ये ईजान का बलून, किधर किधर किधर, इधर आ इधर आ इधर आ,
क्या पिना है तेरी माँ ने तेरी पैंट कितने ऊपर चढ़ाए हो। पर्पल कलर है ना, अभी इसका मैं क्रिएटिविटी करूंगी। हाँ ना, क्या करोगे? मैं इसको आपको गुड़िया बना के दूंगी इजान, अभी मैं गुड़िया बनाने वाली हूँ। इजान ना भी ऐसे ही करता है, उसको कौन भी अगर चिल्लाएंगे ना तो मेरे पास आता है, उनकी शिकायत करता है। हाँ ना इजान, अरे मम्मा क्या बना रही, देख बना बना, जल्दी बनाओ मेरी चाय ठंडी हो रही बना। हाँ बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, देख क्या हुआ तेरे को, कोई कुछ बोलना है या नहीं? अभी देखिए फरहान ने थोड़ा उसको डांटा ना, तो कैसे देख मुँह, देख मुँह, देखे कैसे करता है। क्या हुआ? ओ ये कुछ नया ही सीखा इसने अभी, देखिए करने का। तो अभी फरहान का बर्थडे नजदीक, अभी हमारा है मैडम का बर्थडे बहुत नजदीक है, लेकिन फरहान में कुछ भी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा है। और वो हमेशा क्या करते हैं मेरे बर्थडे के टाइम, मुझे बोलते हैं कि चलो, बहुत ज्यादा ना के बोलते हैं चलो 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 समीर ये लेंगे वो लेंगे, मेरी कितनी शॉपिंग करा दो। तो अभी मेरा भी फर्ज बनता है कि अभी इनका बर्थडे नजदीक आ रहा है तो इनके लिए हम आज शॉपिंग कराएंगे, तो आज इनको लेके जाएंगे इनके बर्थडे की शॉपिंग कराएंगे। और ये देखिए कैसे मेरे को चिपकाए, तो आज हम इनको लेके जाएंगे, आज इनके बर्थडे की शॉपिंग कराएंगे। मेरी शॉपिंग हो गई है, बस इनकी और ईजान की शॉपिंग बची है। आप मत छेड़ो ना उसको, चलो फरा जल्दी से जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ। ये लेजी हो गई ना, एक जगह बैठते ना तो वहाँ से उठते ही नहीं है। वैसे भी अभी चलता है, अभी डाइट भी चालू है मैडम की, तो थोड़ी उठती नहीं हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, अभी पूरे घर का काम फरा को करना पड़ा, क्योंकि दो दिन से हमारे मेड नहीं आ रही है, इसीलिए पूरा काम फरा के ऊपर आया। वैसे भी वो करते ही है, क्योंकि अभी हम दो से, हाँ अम्मी और ये दोनों मिलके करते हैं। वैसे भी ना अभी दो क्या बोलते हैं, पूरा काम मेड पे नहीं रहता है, क्योंकि अभी हम दो लोग नहीं है, अभी हम चार लोग हैं, तो मेड को भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए अम्मी और फरा थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर मेड के लिए थोड़ा रखता है। वैसे भी दो दिन से वो नहीं है, तो इनको ही पूरा करना पड़ रहा है। तो अभी नाश्ता हो गया है सभी का, जैसे ही दोपहर का खाना, दोपहर का खाना जैसे ही बनेगा फिर हम निकलते हैं ना। बुरके के पीछे देख, बुरके के पीछे इधर 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 देख, बुरके के पीछे छुपे, देख अम्मी जा Hey guys, assalamu alaikum. I hope all are doing good. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आज समीर ने खुद ने मुझे अपने तरफ से ही बोले कि फरा आज आप अपने बर्थडे की शॉपिंग कर लो, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप बोल रहे ही नहीं हो बर्थडे की शॉपिंग कब करनी है। तो कैसा है ना, मैं थोड़ी डाइट पे हूँ तो मैं खुद ही अवॉइड कर रही हूँ ज़्यादा कपड़े सिलाना लेना या कुछ भी शॉपिंग करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पतली हो गई तो जो भी मैं अभी खरीदूंगी वो वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं वही इच्छा में बैठी हूँ, लेकिन अभी बर्थडे तो करीब आ गया है तो चलिए आज कर ही लेते हैं शॉपिंग, कुछ ना कुछ एक आधा ड्रेस ले लेती हूँ। और मुझे बहुत दिन से शूज़ भी लेने हैं, मेरे शूज़ भी ख़राब हुए हैं तो शूज़ भी लेने हैं। देखती हूँ अभी जितना हो सका उतना करते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ा हॉस्पिटल का काम है वो भी कर लेंगे। तो अभी निकलते हैं, समीर भी अभी रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो गई हूँ, अपना बुर्का वगैरह पहन ली हूँ और ब्लैक स्टोल बांधी हूँ, अच्छा लग रहा है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल गए हैं घर से ऑलमोस्ट, ईजान भी सो गया है और ये देखिए समीर अपना फेस ऐसे उठा रहे हैं, तो ठीक है मैं ही नीचे कर लेती हूँ। मौसम बहुत बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे तो, क्योंकि धूप थोड़ी भी नहीं है और हवा भी ऐसी मस्त चल रही है ना। और ये देखिए ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये मेट्रो का ब्रिज, ये देखिए ये पूरा मेट्रो का ब्रिज है और मेट्रो स्टार्ट भी हो गई है, मजा आता है मेट्रो में घूमने को। हमारा तो एक्सपीरियंस है, उसका व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, बहुत मज़ा आया था, बहुत मस्त लग रहा था। और वो जो आगे दिख रहा है ना अभी, आई थिंक इसमें एकदम लास्ट में देखो वो जो है ना, वो भोपुड़ी स्टेशन है और बैक साइड पे दापुड़ी है, ये भोपुड़ी है और उसके आगे खड़की है, लेकिन खड़की का अभी तक बना नहीं है, भोपुड़ी
अलग ही मूड आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बारिश बहुत आ रही है, इसके लिए सोचे कि रुकते क्या करे तो करते हैं कुछ काम, तो हमने सोचे कि चलो एक नारियल पानी पी लेते, प्याज भी बहुत लगी हुई है। सो अभी ये नारियल पानी हम पी रहे हैं, खोपरे वाला है ना भैया, अगर नारियल पानी आप पीते हो ना तो एक में आपका पेट भर जाता है, आपको बस होगा लेकिन पानी खत्म नहीं होगा। ये कहाँ पर है? केएम हॉस्पिटल के एग्जैक्ट सामने, शिंदे कोकोनट, हाँ बैक साइड। तो चलिए मुझे भी देना, इतना मीठा है और साइज देखिए गाइस कितना बड़ा है इसका, नारियल का ये बहुत मस्त है। एक नारियल पानी में पेट फुल है ना। पहले तो हम लोग यहाँ पे रहते थे तो हमेशा आते थे ना समय। अभी देखिए खोपरा भी कितना ज्यादा आया है इसमें, ये थोड़ा मोटा आया, मुझे पतला खोपरा अच्छा लगता, चलता है ये भी अच्छा ही रहा, कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे पतला। बड़ा वाला मुझे दो, मोटा वाला पानी निकालो ना। हाँ पानी निकल के ही दे दो। अभी हम आए हैं कमांड हॉस्पिटल में जो कि है कोंडवा में। हाँ ना, नेक्स्ट डिलीवरी यहाँ पे करेंगे ईजान को खिलाने का यहाँ पे। हाँ यही सोचो, यही जिधर जाते हैं ना बस यही सोचते हैं। ये हॉस्पिटल भी देखिए कितना बड़ा है, बाहर से रुपया खर्चा नहीं है इधर डिलीवरी का, डिलीवरी हो या अदर ऑपरेशन भी हो पता नहीं मुझे पर अभी बोल रहे हैं कि है ना, बट जो जो अभी तक किए हैं उन्होंने बताया है कि ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। हाँ अगर बड़ा ऑपरेशन रहेगा तो जो चीज़ें लगती है ना, सर्जरिकल चीज़ें जो, जैसे अभी हम मिलने जा रहे हैं मेरे बहन मेरे भाई के बेटी का ऑपरेशन हुआ है तो उसी को हम देखने जा रहे हैं अभी, लेकिन बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, बहुत चल के आना पड़ता है, वहाँ से आए अभी हम। तो ये हॉस्पिटल से निकलते ही हम लोग पहुंच गए शॉपिंग के लिए, और ये लाइट की वजह से थोड़ा जगमग जगमग हो रहा था, तो यहाँ पे मैं अभी चॉइस करने लगी अपने कपड़े, मैं देख रही थी कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला पहले मैंने देखा ऑर्गेन्जा में था प्रिंटेड, ये भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, फिर मैंने बोली नहीं चलो दूसरा देखती हूँ, फिर ये दूसरा कट पीस में भी देखने लगी, यहाँ पर भी मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया। आखिर को समीर को पूछ पूछ के थक गई, तब जाके वो मुझे बोले कि ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोली इसका स्कर्ट बना सकते, स्कर्ट अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने सोची कि नहीं अभी स्कर्ट वगैरह तो ज़रूरी नहीं है, चलो कुछ और ही देखती हूँ। वापस से मैंने फिर देखी पसंद आ रहा था, सब हो रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने ये वाला भी नहीं ली, फिर लास्ट में मुझे समीर ने बोले कि ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला ले ली, लेकिन ये क्या है ना दिल में नहीं बैठ रहा था जो बर्थडे, मुझे लगा फरहत डेली वेयर के लिए यहाँ पे लेके आए, लेकिन ये बोलते हैं कि यहाँ से भी बर्थडे की शॉपिंग करना है, करूँगे ले लिया, और कुछ लेना है यहाँ से, अभी नाना पेट भी जाना है ना आपको वापस। फिर से हम दूसरी दुकान में आए, यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिली, फिर मुझे ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा लगा और ये पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं यहाँ पे देखने लगी चॉइस करने लगी, चलो इसी में देखती हूँ मैं कलर्स वगैरह, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, डिसेंट भी है और कपड़ा भी बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा था, मस्त लग रहा था, ये थोड़ा हटके था मतलब कपड़ा, तो फिर समीर को मैं पूछने लगी ये अच्छा है ना, ये कलर अच्छा है क्या, कौन सा कलर लूँ, क्या करूँ क्या नहीं, कैसा होता है ना जब मैं अकेली रहती हूँ ना मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैं समीर से पूछती हूँ लेकिन उनको भी इतना कुछ समझता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी माशाल्लाह वो हेल्प करते हैं, तो आखिरकार फिर मैं वापस से सोची कि नहीं ये भी नहीं मैं दूसरा देखती हूँ यही सब होता रहता है मेरे साथ में, मेरे को है ना जल्दी से पसंद ही नहीं आता है कुछ, इतना देखते बैठी फिर ये लूँ वो लूँ ये लूँ वो लूँ, मेरा इसी में टाइम चला जाता है, और आखिरकार जो पहले पसंद करी रहती हूँ ना लेती तो वही हूँ, लेकिन इतने सारा देखती रहती हूँ ना मैं तो दुकानदार भी परेशान होते होंगे मुझसे फिर मैंने सोची नहीं अभी क्या करती हूँ ना मैं वाइट कलर का लेती हूँ बर्थडे को, तो फिर ये वाइट में वैरायटीज़ दिखाने लगे हो भैया मुझे, फिर मैं थक गई और थक के मैं बैठ गई नीचे, बाबा मैं बैठ जाती हूँ आप मुझे आराम से दिखाओ, मैं उनको बोलने लगी, फिर ये देखो वो देखो ये देखो वो देखो सब दिखा रहे थे वो मुझे, अस्तर वगैरह लगा के भी बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखो ये वाला भी है मैडम ये अच्छा लगेगा, ये वाइट में आपको चाहिए तो वाइट अस्तर लगाने के बाद इसका लुक देखिए आप कितना अच्छा आएगा, फिर ये रेनबो अस्तर था आई थिंक, तो ये भी उन्होंने बताया,
तो ये भी मुझे पसंद नहीं आया। लास्ट में मुझे उन्होंने ये वाला बताया ना, तो मुझे ये ही पसंद आया जो कि मैंने स्टार्टिंग में ली थी। तो मुझे उसी में, मैंने बोली कि मुझे उसी में कलर्स बता दो भैया, मुझे वही पसंद आया। वो कपड़ा अलग ही है थोड़ा। फिर मैंने फाइनल आखिरकार ये वाला किया है, जो रेड वाला दिख रहा है ना, उसमें मरून कलर। जैसे समीर बोलते रहते ना हमेशा, मुझे मरून कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैंने ये वाला फिर फाइनल कर दिया। ये वाला हमको पसंद आया। ये दो निकाली थी, मुझे डार्क कलर्स ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत पसंद है, इसके लिए फिर मैंने ये वाला ही ले ली। मैंने उनको बोली यही कट कर दो भैया, मुझे ये वाला फ़ाइनल पसंद आ गया है। तो तब जाके मुझे ये, भैया भी मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि आपको चाहिए क्या, आपको बनाना क्या है, आप कितना वैरायटीज़ देखोगे। मैंने बोली नहीं, मुझे तो ऐसा सूट ही बनाना है, लेकिन थोड़ा अलग चाहिए था। तो चलिए अच्छा लगा, ये वाला फिर ले लिया। इसी का मैंने सब कुछ पैंट वगैरह वही कलर के ले लिए। वहीं से फिर मार्केट में चले गए बंगड़ी वाले कैंप में, फिर वहाँ पे मैं बंगड़ी देखने लगी, देखी बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये ब्राइडल है, तो फिर मैंने बोली नहीं ब्राइडल इतना हैवी तो मुझे नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर मैं आपको एक सेट बना के बताता हूँ वेलवेट की बंगड़ी में। तो उन्होंने मुझे पहले साइज़ चेक करने के लिए दिया, ठीक है। मैंने बोला हाँ ये वाला साइज़ परफेक्ट है। तो उन्होंने वैसे ही, हम चले गए बंगड़ी के मार्केट में बंगड़ी लेने के लिए। तो बस इतना ही था आज का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।